मंदिर परिसर में ये सेवा दी थी सबो साथी मन उपस्थित सब सियान मन दीदी बहनी मन नौजवान साथी मन लड़का मन बड़े संख्या में सब लड़का मन भी आए है और ये त्योहार छेरछेरा पुण्य वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अखन तीज त्योहार है लुप्त होत रही से लेकिन हमारे सरकार बने के बाद लगातार सब तीज त्योहार के छुट्टी भी दें मुख्यमंत्री निवास में उनका आयोजन भी करें और लोगन एकर से जुड़ी भी जैसे कि महाराज जी जिन सब बात बता रही से कि हरेली तीजापुरा छठ पूजा विश्व आदिवासी दिवस कर्मा जयंती और छेरछेरा पुण्य ये जन छेरछेरा पुण्य है एक महत्व अभी महाराज जी बहुत अच्छा से बताई से कि छेरछेरा जन पुण्य है तेन दिन सब जन सबके घर में मांगे बढ़ जाते ये जन त्योहार है किसान मन फसल काटे के बाद खलिहान में लाते बिजाई कुटाई करे के बाद खलिहान से ही या निवास से ही जतेक भी छेरछेरा मांगे लाते तो सब लदे थे वैसे किसान अन्नदाता है चाहे वो पशु हो पक्षी हो सबके भोजन के व्यवस्था और साथ साथ गांव में जतेक भी पौनी है पौनी पसारी है बहुत अगर सब संगठन रही थे कबड्डी के खेल के संगठन रही तो कोनो सांस्कृतिक संगठन है रामलीला है कृष्ण लीला मंडली और महिला मन के समूह सब मन समूह में मांगे बर जाते और वो जिन राशि एकत्रित होते उकर से अपन संगठन ला मजबूत करे बर सामग्री खरीदे के काम गांव के कई ठक विकास करे काम ये प्रकार से छेरछेरा पुण्य के महत्व तो में जन अन्नदाता है तेनही कहते कि मोर घर में अनाज आ है उसमें सबके हक है सबके अधिकार है तो सब लग वितरण कर जेकर जैसे जैसे स्थिति रही थे उसके हिसाब से वो दान देते तो दान दे के भी परंपरा है और दान ले के भी परंपरा दान जब देथन तो हमार में हमारे अंदर उदारता के भाव आते और जब दान लेथन तो हमारे अंदर जो अहंकार है वो खत्म होते तो दान ले से अहंकार समाप्त होते और दान दे से उदारता में वृद्धि होती तो ये हमारे परंपरा उस समरसता के भाईचारा के प्रेम के सब छोटे बड़े सब मांगे जाते हैं हम वहाँ छोटे छोटे रहे तो हम झोला धर के जा रहे हैं समूह में रहा थोड़े दिन बड़े बाढ़ गए तो बोरा धर के जान कावर कि हमारे उनके संगठन भी से तो हमारे संगठन के सब सामान खरीदना है गाँव पर आयोजन करते हैं तो हमारा थोड़े दिन ज़्यादा दान चाहिए हम दान लेवत रहे और हमन अपनों घर में जान तो हमन पाछ को लुकाया जा रहा है माँ गारी दी तो लेकिन छेरछेरा पुण्य में सब जन जावन और ये बहुत बढ़िया परंपरा कतको बड़े व्यक्ति रहे लेकिन संगठन के साथ में जाके दान लेके परंपरा तो अपन अंदर के जो अहंकार है वो समाप्त होते ऐसे हमार परंपरा ये साल वैसे भगवान बालाजी की कृपा से बहुत अच्छा फसल हुए अभी तक के हम 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर चुके हैं जेने रिकॉर्ड कोई अगर कोई शिकायत नहीं जो भी 2500 धान खरीदी केंद्र है 2000 हमार समिति है उकर मन के माध्यम से धान खरीदी बादाना की व्यवस्था तौलाई उठाए के काम धान के उठाव भी लगातार चला थे और ओकरे साथ साथ पेमेंट भी हो थे अतः 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे लेकिन एक भी किसान छत्तीसगढ़ में शिकायत नहीं करे कि मोर खाता में पैसा नहीं आए आज धान बेचिस दूसरा दिन पर खाता में पैसा आते एक ऐसे बढ़िया व्यवस्था आज तक कभी नहीं हुए जिन्हें साल हुए खूब उत्पादन भी हुए वैसे खरीदी व्यवस्था भी हुए तो अन्नदाता भी प्रसन्न है अब आज छेरछेरा पुण्य के साथ साथ आज हमारे मरार पटेल समाज के जिन इष्ट देवी है शाकंभरी है ओकरो जयंती है ओकरो बधाई और शुभकामना देते हुए हम तो आए बालाजी भगवान दुद्धाधारी मठ में और यूँ हमन छेरछेरा मांगे महाराज कहें कि छेरी छेरा छेर बरतनी छेर छेरा और माई कोठी धान ला हे रेरा और यूँ कहें
अरन बरन कोदो दरन जबे देवे तबे करा। अतः महाराज उदारता पूर्वक देश बढ़िया चरिया में धान भी देश और साथ साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष पर 2,11,000 के मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान भी दे। एक बार जोरदार ताली बजाओ, है ना। ये छेरा पुण्य जैसे वैसे भगवान ने मांगे बढ़ जाता, लेकिन 2-4 पैसा चढ़ा का था। आज उल्टा हो, आशीर्वाद भी मिले और छेरा पुण्य दान भी मिले। तो बहुत बधाई शुभकामना। ये परंपरा जहाँ हमार लोक पर्व है, लोक आस्था है, ओकरे साथ साथ एकर पीछे आध्यात्मिकता भी छुपे हुए है और मैं छत्तीसगढ़ की जिन परंपरा है तेकर निर्वहन भी होते। तो छेरा पुण्य के आप सब ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ऐसन बीरा में उपस्थित हवा है हमारे रायपुर।